नमस्कार, प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकतुह। आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं। आज एक नया महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपसे बात करना चाहते हैं। इस विषय में हम एक नई सोच आपके सामने रखना चाहते हैं। मैंने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से 2 साल का फेलोशिप इन योग थेरेपी नाम का जो कोर्स किया, वो एमडी के बाद एक बड़ा अभ्यासक्रम जिसमें हमने एक रिसर्च पेपर को यूनिवर्सिटी में सबमिट किया, जिसका विषय था कि प्रार्थना योग। इसका अर्थ होता है अलग अलग धर्मों में प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना उस ईश्वर की, प्रार्थना उस अल्लाह की, प्रार्थना उस यीशु की, कि जो इस विश्व का चालक है, संचालक है, शासक है, मालक है, कर्ता है, कर्विता है, पालक है, तारक है, मारक है, जो कुछ भी उसके बारे में अलग अलग उसकी वैशिष्ट बताई गई है, उसकी प्रार्थना का एक यौगिक शास्त्र हमने हजारों विविध धर्मों के साधकों की साधना के पश्चात उसका परिणाम स्वरूप जो कुछ भी असरात उसके स्वभाव पर, उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसके कार्य पर उसका हुआ, उसका एक संशोधन। उसमें कुछ हिंदू साधक थे, कुछ इस्लाम साधक थे, कुछ सिख थे, कुछ जैन थे, कुछ बौद्ध थे। हमने देखा और उसमें अंदर हमने उसका जिक्र भी किया कि नित्य रोजाना प्रार्थना, नमाज, पूजा या प्रे करने से उसके शरीर पर और मन पर उसका अच्छा परिणाम दिखाई देता है। उसके स्वभाव में नम्रता, विनयशीलता दिखाई देती है, उसके कार्य में सेवा भाव बढ़ता है। तो हम आज इस बात में आपके साथ चर्चा करेंगे कि धर्म में इस ईश्वर का जो प्रमाण दिया है, इस अल्लाह का जो प्रमाण दिया है, और उसके बारे में कुछ विविधता में वैशिष्ट बताई है कि वो निर्गुण निराकार है, परमेश्वर या अल्लाह ये दिखाई नहीं देता, उसको सामने देखना ये हमारी कुछ मर्यादाओं की बात है, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, स्पर्श नहीं होता। तो ये ऐसा परमेश्वर कि जो निर्गुण निराकार है, वो सगुण साकार रूप में अपने भक्त को, वत्स को या किसी साधक को जो बताया गया है, या किसी इबादत करने वाले को बताया गया है कि अल्लाह, ईश्वर, यीशु, परमेश्वर ये दिखाई नहीं देता, लेकिन वो है। तो एक महत्वपूर्ण विषय हम जानने की कोशिश करेंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि मानव
जन्म में मानव के गुणों की, कर्मों की, सोच की मर्यादा स्पष्ट है। वी हैव लिमिटेशंस। हमारी मर्यादा, हमारी लिमिटेशंस हम जान गए। और ऐसी एक शक्ति, ऐसी एक ताकत, ऐसा एक आधार कि जो अमर्याद शक्ति अपने में रखता है, ऐसी अमर्याद शक्ति के सामने हमारी जो कुछ लिमिटेशंस है, शक्ति है, पाव है, उसको सरेंडर करना, सैक्रिफाइस करना, उसको हम समर्पित करना, यही हर धर्म में, हर मजहब में, हर रिलीजन में बताया है। सरेंडर योर सेल्फ, समर्पण करो, इबादत करो। एक शायर ने बहुत अच्छा शेर लिखा है इसके बारे में। सर झुकाने से नमाजे अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। पहले तो मैं होशियार था, दुनिया बदलने चला था, अब मैं समझदार हूँ, खुद बदल रहा हूँ। बैठ जाता हूँ मिट्टी में अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। समंदर से सीखा है हमने जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ये नहीं है कि हमें कुछ ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ कि मुझे कुछ फरेब नहीं है। तो ये प्रणाली हमें ये सिखाती है कि दिल को झुकाओ। सर को तो एक फिजिकल, साष्टांग नमस्कार, सूर्य नमस्कार, दंडवत या नमाज अदा करते समय सर को, माथे को जमीन पे रखना, ये तो एक फिजिकल प्रोसेस हुआ, एक शारीरिक प्रक्रिया हो गई। लेकिन प्रार्थना या नमस्कार या नमाज एक मानसिक प्रक्रिया है, दिल झुकाना पड़ता है। हमारे दिल को झुकाओ, हमारे ईगो को छोड़ दो, हमारे अहंकार को छोड़ दो। तो ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया का अर्थ हमें समझना चाहिए। हम देखे हैं कि अक्सर प्रार्थना स्थलों में लोग प्रार्थना करने के लिए भीड़ करते हैं, तो प्रार्थना का सामुदायिक रूप एक ताकतवान रूप बताया गया है। अलग अलग धर्मों में इसका अर्थपूर्ण व्यवहार बताया है कि जैसे कि नमाज में यदि कोई एक आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका सवाब मिलता है, लेकिन एक समुदाय में जब कोई नमाज करता है, अदा करता है, जैसे कि मक्का में, मदीना में कोई नमाज अदा करता है, तो आपके साथ जितने भी प्रार्थना नमाज अदा करने वाले लोग हैं उनके गुणाकार से आपका सवाब बढ़ता है। जैसे कि 40,000 लोग एक समय यदि मदीने में मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, तो उस नमाज का जो सवाब है, जो कुछ उसका परिणाम है, वो 40,000 नमाज अदा करने का जितना मिलेगा उतना एक ही नमाज में मिलेगा। अब समझ गए बात को? तो ये जिक्र जब किया है तो उसका मतलब है कि आपको सबको साथ लेकर इस मजहब की सोचना पड़ेगी।
सबको साथ लेकर, सबके साथ। और ये सबका साथ जो है, सबका सोच जो है कि दूसरे के बारे में सोचो। आपका स्वच्छता का नियम, यदि सबका स्वच्छता का नियम होगा तो ही उस प्रार्थना में परिणाम अच्छा दिखेगा। एक अच्छा खासा नहाकर धोकर कपड़े दुरुस्त कर कर प्रार्थना स्थल में आया, एक बिना हाथ पाए धोए, बिना नहाए, बिना स्वच्छ कपड़े पहने, अपनी गंदगी के साथ उसी प्रार्थना स्थल में आया, आपके साथ खड़ा है। उसके साथ आपका सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक ही ईश्वर के, एक ही अल्लाह के इबादत के लिए आए हैं। और आपका स्वतंत्र व्यवहार आपको कहता है कि आप तो पाक है, आप को स्वच्छ है, आप तो नहाए है। क्या इसका परिणाम अच्छा होगा? नहीं। यदि कोई दूसरा आदमी इन्फेक्टेड है या गंदा है तो उसका दुष्परिणाम ही आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रार्थना स्थलों में। किसी मंदिर में जाने के लिए यदि प्रवेश करना है तो आपके साथ कोई नियम लगाया है। आप नहाकर जाइए, अपने जूते उतार कर जाइए, अपने हाथ पांव धोकर जाइए। स्वच्छता के नियम हर प्रार्थना स्थल में बहुत ही ताकत से बताए हैं। जैसे कोई किसी को नमाज के लिए जाना है तो उसका शरीर पाक होना चाहिए, उसको वजू करना चाहिए, उसका दिल पाक होना चाहिए, जगह पाक होना चाहिए, कपड़े पाक होना चाहिए। तो ये जो पाक, पाक मतलब स्वच्छ, अतः पाक का थोड़ा गलत सहमी हो रही है, पाक का मतलब होता है स्वच्छ, निर्मल। तो नमाजें अदा करने के पहले उसी की नमाज कबूल होती है जिसका दिल पाक हो, जिसका वजू हो, जिसका कपड़ा पाक हो, जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हो वो जगह पाक हो। तो ये स्वच्छता का जो अर्थ हर प्रार्थना स्थल के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो ही आपकी जिंदगी का असली स्वरूप है। और इसीलिए आज के इस महामारी के चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे हैं वो कुछ नई बात नहीं है। जैसे कि मस्जिदों में जब नमाजें सामुदायिक प्रार्थना के रूप में अदा की जाती है तो भी सोशल डिस्टेंसिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि जब हम सजदा करते हैं, कादा करते हैं, सजदे में जाते हैं, तो आपको जितना जगह लगता है वो 1 मीटर से ज़्यादा लगती है। इसीलिए दो सफा के बीच में मीटर का अंतर होता ही है। और ये सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में मेंटेन करने की प्रक्रिया की जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि धर्म शास्त्रों में जो कुछ भी नियम लगाए हैं उसमें हर आरोग्यपूर्ण व्यवहार की योजना की जाती है। जैसे कि मंदिर में किसी भगवान देव देवी को प्रसाद के पहले उसका नैवेद्य बनाया जाता है। जो कुछ चीज़ उस दिन पकाई है उसका नैवेद्य के बाद ही उसका खाना भक्तों को या उस सदस्यों को दिया जाता है। जब तक नैवेद्य भगवान को या देवता को या देवी को अर्पित नहीं होता जब तक खाना नहीं खिलाया जाता। तो ये नैवेद्य की बात क्या है? नैवेद्य किसके लिए बनाया गया? भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए। तो क्या ईश्वर नैवेद्य को खाता है? नहीं खाता। लेकिन भावना क्या है?
देव का, ईश्वर का, परमेश्वर का खाना हम दे रहे हैं। तो उस महान शक्ति जो तारक है, मारक है, चालक है, संचालक है, उसका खाना हम दे रहे हैं, तो उसके अंदर हम बहुत ख्याल रखते हैं कि नैवेद्य में खराब चीज़ नहीं जानी चाहिए, नैवेद्य ताज़ा होना चाहिए, पका होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। उसकी जो व्यवस्था उस पात्र में कीती है, उस पात्र की अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ को रखना, उसमें और एक नियम बनाता जाता है कि नैवेद्य के पात्र में नमक नहीं रखते। तो ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र हाइजीनिक प्रोसेस है, हाइजीनिक प्रोसेस है। नैवेद्य को समर्पित करते समय जो कुछ प्रार्थना की जाती है कि वो पात्र के नीचे एक पानी का डॉट या पानी का एक सिंबल रखा जाता है, उसके ऊपर पात्र रखा रहता है, पात्र के बाजू पानी फिराया जाता है, और हम एक प्रार्थना करते हैं कि ये अर्पित हो रहा है। किसे अर्पित हो रहा है? प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओम स्वाहा, नैवेद्यम समर्पयामिनीम। हम समर्पित कर रहे हैं किसे? उस प्राण शक्ति को, उस ईश्वर शक्ति को, कि जो विश्व का चालक है। इस दुनिया में जो प्राण शक्ति है, वही हमारे शरीर के प्राण का भरण पूरण करती है। तो हम इस कहने के लिए ये आपको बता रहे हैं कि नैवेद्य यदि शुद्ध बनाया गया, तो नैवेद्य का बनाने का तरीका वही होता है, उसी को ही नैवेद्य कहते हैं। कि जैसे आपने 10 आदमी का खाना पकाया, उस पकाए हुए खाने का कोई हिस्सा आप नैवेद्य के रूप में निकाल ले। तो यदि नैवेद्य शुद्ध है, तो खाना भी शुद्ध है। ये टेस्टिंग हो चुका है, खाने का टेस्टिंग हो रहा है। तो ये टेस्टेड खाना आपको आरोग्य देगा, आपको ऊर्जा देगा, आपको शक्ति देगा। अतः इसके दुष्परिणाम, फूड पॉइजनिंग आपको नहीं होगा, फूड पॉइजनिंग नहीं होगा। तो हम आज आपको दो बात बताएंगे कि प्रार्थना एक योग है। योग का मतलब है जुड़ना, युज्यते इति योगः। कौन किसे जुड़ रहा है? एक साधक, एक भक्त भगवान को या ईश्वर को या अल्लाह को जोड़ने का साधन प्रार्थना है। तो प्रार्थना बहुत ताकतवान होती है, जबकि उसके हर विषय का समझदारी से प्रयोग हो। इसीलिए भक्ति योग एक श्रेष्ठ मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का। कोई कर्म योग हो या ज्ञान योग हो, उससे भक्ति योग बहुत श्रेष्ठ होता है। ये हॉटलाइन होती है, हॉटलाइन, ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है उस परमेश्वर का, अल्लाह का हमारे साथ। इसीलिए भगवद गीता के 12वें अध्याय में, भक्ति योग अध्याय में, एक प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछते हैं, कृष्ण से पूछते हैं। एवं सतत युक्ताय भक्तास्त्वं परि उपासते इच्छाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। ये भक्ति योग 12वें अध्याय का पहला श्लोक होता है। हे भगवान, हाँ, आपके निर्गुण निराकार रूप में आपको भक्त कोशिश करता है आपको पाने की, कोई सगुण साकार रूप में आपको पाने के लिए क्या क्या नहीं करता? उसको फल अर्पित करता है, पंचामृत अर्पित करता है, दुग्ध, घृत, तेल, नैवेद्य, स्नान,
ये सब कुछ कराता है एक मूर्ति की पूजा में। तो कौन सी भक्ति श्रेष्ठ होती है? तो भगवान क्षण का विलंब न करते हुए उसके अर्थ को दूसरे श्लोक में बताते हैं। मैया विश्यम मनोयिमा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्तेमे युक्ततमा मता। जो मन पूर्वक समर्पित भाव से नित्य भगवंत अल्लाह यीशु ईश्वर क्या क्या नाम लेना है वो तो करो, लेकिन उपासना करता है, साधना करता है, भक्ति करता है, वो भक्त श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे हम इस प्रार्थना में चार बात ध्यान में रखेंगे। ईश्वर की अल्लाह की प्रार्थना करते समय हमारा दिल पाक होना चाहिए, हमारा शरीर पाक होना चाहिए। जिस जगह पे प्रार्थना करना है वो जगह पाक होनी चाहिए। पाक का मतलब स्वच्छ होनी चाहिए। पाक का मतलब स्वच्छ, दिल स्वच्छ, शरीर स्वच्छ, अपने पहराव को स्वच्छ। जिस जगह पे प्रार्थना करनी है वो जगह स्वच्छ। ये स्वच्छता का पहला मुद्दा होता है। दूसरा समर्पण का होता है कि हमें झुकना है उस शक्ति के सामने, उस ईश्वर के सामने, उस अल्लाह के सामने झुकना है। तो झुकने से हमारा अहंकार नष्ट होता है, हमारा अहम नष्ट होता है। और अहम ही हमारा सच्चा शैतान है, अहम ही हमारा सच्चा शत्रु है। अहम अहंकार, अहंकार हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए समर्पण। और तीसरी बात, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना। हम कुछ हमारे लिए पाने का अर्थ प्रार्थना से नहीं लगा दे, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना। सबका भला करो, सबका कल्याण करो, सबको आरोग्य दे, सबका। तो ये तीसरा मुद्दा हो जाता है सबके लिए। और चौथा मुद्दा होता है कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मैं मालिक नहीं, मालिक तो वो है जिसे आप ईश्वर, यीशु, अल्लाह, परमेश्वर कहते हो, मालिक है। ये भाव हमारे में सदैव जागृत रहे, इसलिए हर प्रार्थना में ये चार बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऐसे चार भाव साथ रखे प्रार्थना का परिणाम बहुत अच्छा दिखता है। मनुष्य हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है।